में चलिए कुछ खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव से पहले राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव को लेकर क्या सोचती है शिवपुरी जिले की जनता, आइए दिखाते हैं आपको। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, लोकतंत्र का पर्व हिंदुस्तान में बहुत जोर शोर के साथ मनाया जाएगा। और अगर हम वोटर्स की तैयारी की बात करें तो जहां राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां की हैं, यकीनन वोटर्स भी बहुत तैयारी करके और अपनी मोहर लगाने के लिए तैयार बैठा है। अपने अपने मुद्दे हैं और उसकी अपनी अपनी बात है। हमारे साथ आज लोकतंत्र के पर्व और लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा करने के लिए काफी सारी महिलाएं हैं, यंगेस्ट लोग भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ बुजुर्ग साथी भी हैं। और हम सबसे ये ओपिनियन लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र के इस पर्व को ये लोग मनाएंगे कैसे और इनके अपने मुद्दे क्या है। सर, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, नाम बता दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार समाधिया है जी। राकेश जी, ये बताइए कि लोकतंत्र का पर्व है, इसमें बहुत सारी अपेक्षाएं जनता करती है, क्या मानते हैं आप? जनता को जो भी सत्ता में पार्टी आती है, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, हर पार्टी से अपेक्षा रहती है। वर्तमान में जो सत्ताधारी पक्ष है उसने काफी कुछ काम अच्छे भी किए हैं और निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति काम करता है, अगर 10 काम हम करते हैं तो 10ों के 10 सही नहीं होते, एक दो उसमें कमियां भी होती हैं। परंतु आज हम ये ऐसा महसूस करते हैं कि विपक्ष कमियां बताने के लिए होता है कि जो कमियों को बताए, पर विपक्ष विपक्ष जैसा नहीं रहा। विपक्ष ने तो सिर्फ हर चीज को का विरोध करने का मन बना लिया है, इसलिए जनता काफी दुखी है। बिल्कुल, आपने कहा कि विपक्ष विपक्ष जैसा नहीं रहा और उसने हर चीज का विरोध करना की अपनी नीति बना रखी है। अच्छा, महिलाएं जो हैं उनके कितने मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को सरकार ने बेहतर अच्छे तरीके से काम किया और कितने ऐसे मुद्दे हैं जिनको ऊपर सरकार को काम करना चाहिए? सर, कई बार तो कुछ चीजों में हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है, जिन चीजों की जानकारी में चाहिए होती है उसकी कई बार, जैसे कई बार जॉब निकलती है अच्छी, जनरल वालों को तो इसमें अप्लाई नहीं किया जाता है। कई बार जो अपने छोटे होते हैं उन लोगों को पहले नंबर मिल जाते हैं, तो कई बार जो ज्यादा मेहनत करते हैं उन्हें उसका वो नहीं मिल पाता जो उनको चाहिए। तो इस चक्कर में हम लोगों कई बार इस चीज की दिक्कत आ जाती है, कुछ कम नंबरों से हम लोगों की, मतलब आपका ये कहना है कि आरक्षण के ऊपर, हाँ, आरक्षण के ऊपर काम करना चाहिए। आप क्या मानती हैं? मैं कहती हूँ कि इक्वलिटी, समानता हो जानी चाहिए, जितना आप पढ़े उसके हिसाब से मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब हटा देना चाहिए, जितने आरक्षण है सब जनरल में होना चाहिए, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। दूसरी है पुरानी पेंशन, हम लोग जब वृद्ध होंगे तो हमें भी तो कुछ चाहिए ना, हमें भी तो चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन का। बहुत दूर तक सोच रही हैं आप। नहीं, नहीं, क्यों नहीं सोचे, हम यूथ हैं, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का हक है, पूरा हक है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि हम यूथ हैं और हमें अपने फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। और जो यूथ है हमारे साथ में जो अपनी दिनचर्या चलाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकार ने आप लोगों के लिए बेहतर जीवन देने की काम में सफलता पाई? नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं से कहीं तक नहीं है ऐसा। सरकार ज्यादातर व्यवस्थाएं कर रही है और कुछ महंगाई थोड़ी ज्यादा चल रही है, उससे थोड़ी सी घर चलाने में समस्याएं होती हैं, तो वो महंगाई को थोड़ा सा कम होनी चाहिए। बहुत महंगाई, बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे महंगाई ज्यादा कर दी गई है, इस तरीके से बहुत लोड हो रहा है। आपका कहना है कि मतलब महंगाई पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, इसमें जो 2 रुपए का जो अंतर आया है डीजल और पेट्रोल पर, क्या आपको लगता है कि महंगाई इससे कुछ हद तक कम हो पाएगी? नहीं, इससे कोई महंगाई से कोई हद से कम नहीं हो पाएगी। इससे जो महंगाई है, 2 रुपए कम होने से कोई मतलब नहीं है, कम से कम 10 रुपए तो कम होना चाहिए। कम से कम 10 रुपए कम हो तब महंगाई कम होती हुई दिखाई देगी, थोड़ी ये आपका कहना है। तो इनका ये कहना है कि 10 रुपए के करीबन अगर पेट्रोल पे कम होते तो कहीं ना कहीं महंगाई का जो असर है वो नीचे जाता हुआ दिखाई देता। हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा इधर आ जाइए। आप ये बताइए कि आप स्टूडेंट हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से देखो, जैसे की वैकेंसियां आती है ना, तो जैसे कि चुनाव लगभग करीब आता है ना, जैसे ही वैकेंसियां डालते हैं और जैसे कि बीच में वो रहता है ना, तो वैकेंसियां का कोई पता वो नहीं रहता है। जैसे अब जो चुनाव लोकसभा का चुनाव आने वाला है, जैसे ही अब वैकेंसियां दी है, उससे पहले कई बार कितने भी वो करते हैं तो वैकेंसी वगैरह कोई नहीं थी। तो मतलब रेगुलर आपको जॉब मिलना चाहिए, आपका मतलब ये जो बच्चे हैं वो पढ़कर तैयार हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हर साल जॉब आनी चाहिए। तो इनका कहना है कि जॉब जो है वो सरकार को ज्यादा से ज्यादा निकालनी चाहिए और युवाओं को रोजगार मिल सके, क्योंकि वो पढ़ करके कॉलेज कंप्लीट करके जब आते हैं तो वो रोजगार की तलाश करते हैं और सरकार अगर उन्हें रोजगार देगी तो उनका भविष्य अच्छा हो पाएगा। अगर हम आपसे जानने की कोशिश करें तो आप बताएंगे कुछ आपके हिसाब से किन किन मुद्दों पर सरकार को और फोकस करने की जरूरत है?
सरकार को महंगाई पर कम करना चाहिए और महिलाओं के लिए कुछ ऐसा अच्छा करना चाहिए इससे महिलाएं कुछ अपना कुछ कर सके। तो अभी तक जो सरकार कर रही है लाडली लक्ष्मी है या और किसी भी को वो मिल फायदा मिल पा रहा है किसी को मिल नहीं पा रहा ऐसा हो रहा है। समथिंग सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। अब देखो किसी को है ना जिसके मिस्टर जॉब कर रहे हैं उनकी महिलाओं को वो नहीं मिलना चाहिए क्या? ये तो ऐसा थोड़ी होता है। जिसके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं क्या वो बहन लाडली बहना नहीं होती क्या? गलत है ना। क्या होती है वो लाडली बहनों में भी आती है वो बहन भी। आपका कहना है कि जिनके हस्बैंड काम करते हैं उनको नहीं मिलता है। उनको क्यों नहीं मिलता है? महिला वो भी तो आखिरकार महिला है। ये सरकार की अपनी पॉलिसी है। हमारे साथ और भी कुछ बुजुर्ग साथी भी हैं तो उनसे पूछेंगे। सर आप ये बताइए कि आपके हिसाब से सरकार क्या काम ठीक कर रही है और अगर आगे आप देखेंगे तो सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं? सरकार के बारे में यदि कहा जाए तो ये माना जाता है कि सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, लेकिन यहाँ कुछ चंद बातें ऐसी हैं जो मैं प्रकाश में लाना चाहूंगा। जैसे अभी भैया ने कहा बेरोजगारी के बारे में, तो मैं चूंकि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ इसलिए मुझे ये पता है कि इस प्रशासन में बहुत सारी पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं जिनके बारे में कभी कोई भरने के लिए कहीं मतलब कोई प्रयास नहीं किए जा सकते, और जब प्रयास किए भी जाते हैं तो कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कोई चीज लीक हो जाती है और इसके बाद उनको लिंगर ऑन हो जाता है। और वो लिंगर ऑन होने के बाद ये है कि इसमें से कम 50% जो बेरोजगार लोग हैं वो 50% लोग जो है टाइम बार्ड हो गए, मतलब उम्र से ऊपर हो गए, जितनी उम्र निर्धारित है उससे ऊपर हो गए और उनको जॉब की कोई वो नहीं। आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उन सरकारी पदों को भरने के लिए सरकार को पूरी व्यवस्था के साथ में आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी अस्पताल दफ्तरों में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं। अगर सर और बात करें किसी और मुद्दे पर तो आपको क्या लगता है कि क्या और बेटर हो सकता है? मैं इसमें रिजर्वेशन जो की पॉलिसी है ना उसमें जो लोग जो रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर बने हुए हैं और बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी लेते चले आ रहे हैं, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए जो उससे निकल चुके उस वाली पोजीशन से। अब तो वो सवर्ण से भी अच्छे वो तो बहुत आगे निकल गए, और जो बहुत लोग पीछे वो लोग उन लोगों को वो करना चाहिए उनको, और उस ऐसे लोगों की छटनी करना चाहिए जो रिजर्वेशन से उसको निकल चुके हैं, वो प्रॉपर योग हो चुके हैं। अब जो भले ही जो मतलब SC ST में उन लोगों को जो वास्तव में उनको जरूरत है उनको देना चाहिए, तो जो ओवर चुके हैं उनको हटा देना चाहिए उसमें। आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोग सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उनको कम से कम उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाए ताकि उसकी जगह किसी और को उसका लाभ मिल सके। जनता लोकतंत्र का ये पर्व मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अपने अपने हिसाब से उसके अपने अपने मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के बेबाकी से वो बात भी करती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी मोहर अपने वोट के जरिए देने के लिए तैयार है। फिलहाल ये कब आपके सामने आ पाएगा और हम इस बात को समझेंगे कि सरकार ने इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लिया, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV।